So, स्वागत है दोस्तों मेरे एक नए ब्लॉग सेशन में। ये ब्लॉग का एक पॉडकास्ट सेशन है और आज मेरे साथ एक मेरी गेस्ट है, मेरे बैचमेट देवदीपा। ये केमिकल इंजीनियरिंग से है और ये कॉलेज में काफ़ी झंडे गाड़ रखे हैं इन्होंने। मतलब ये डांस क्लब में भी थी और नेप्स क्लब में भी थी। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर कि ये चार सालों में BIT में कैसा ये एक्सपीरियंस किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपसे, ये अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे ना, तो हम लोगों ने एक हॉस्टल में, मतलब फर्स्ट ईयर के हॉस्टल्स में लैन के थ्रू हम लोगों ने CS:GO वगैरह गेम वगैरह कंप्यूटर्स गेम काफ़ी खेला था। उस टाइम मोबाइल गेम्स नहीं आया था, पबजी जस्ट वो अपेरेंस हुआ था। तो आप लोग उस टाइम क्या कर रहे हैं? गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग के पास उतना ऑप्शंस नहीं रहता था, तो बेसिकली सिंस HH में से फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ रहती थी, तो मोस्टली हम लोग बैठ के सब लोग बात बात करते थे, या तब शुरू शुरू में हॉस्टल आते या ना शॉपिंग का शौक चढ़ा था तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, या होता है ना कि आके कुछ कुछ खाना बनाने का भी बहुत मन करता है, बहुत रहता है एक्साइटमेंट, तो वो भी हम लोग ट्राई करते थे। ऐसे ही हम लोग के टाइम पास। और तो अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये K20 की गर्ल्स भी ये मिस कर रही हैं ना, आने वाले बच्चे भी काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो अच्छा वो लोग के लिए क्वेश्चन रहेगा ये। तो और आप क्लब्स में भी थी, जैसे कि मैंने बताया डांस क्लब और नैप में, और ये काफ़ी अच्छा डांस करती हैं, तो ये क्लब्स में थी, तो आप मैनेज कैसे करते हो आप लोग? जैसे लड़कियों का रहता है, लड़कों का रहता है कि वो लोग सीनियर्स अगर मिलना जुलना है तो उनका इन टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, पर गर्ल्स इसको कैसे ये इस प्रॉब्लम को हैंडल करती है? बेसिकली दिक्कत तो होता था हम लोग को, क्योंकि सिंस मैं डांस क्लब में थी तो मोस्टली फर्स्ट ईयर में हम लोग को हर एक फेस्ट में परफॉर्म करना होता था, और उस पे भी जब पैंथियन एंड बिटोत्सव इन सब में हम लोग को रैंप वर्क एंड ऑल भी करना रहता था, तो हाँ थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता था, तो इसके लिए हम लोग को परमिशन लेना पड़ता था, जैसे कि डीन से फैकल्टी से हम लोग को साइन करवाना पड़ता था, एंड हम लोग को बस एक घंटे का एक्सटेंशन मिलता था, उसमें समा हम लोग को सब कुछ ख़त्म करके फिर हॉस्टल वापस आना पड़ता था, एंड फिर जो भी करना होता था इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लड़कों के साथ डांस प्रैक्टिस करना है कि क्या करना है, वो हम लोग को इंडिविजुअली आके मैनेज करना पड़ता था। तो ठीक है, पर फिर भी वो कर लेती है, करना पड़ता है वो कर लेती है, तो ठीक है। और अगला एक क्वेश्चन, अच्छा ये हम लोगों ने सुना है कि लड़कियां पढ़ाई को लेके काफी सीरियस रहती हैं। ऐसा तो नहीं है, सीरियस तो सब लोग रहते हैं, लड़का लड़की सब रहते हैं, वो तो प्लेसमेंट सेशन के बाद तो पता चल ही जाता है, या तो मार्क्स के बाद। कॉलेज में आके शुरू में कोई नहीं पढ़ता, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग करना है उधर साल भर तो कोई पढ़ेगा नहीं, बट हाँ एग्जाम के पहले तो सब लोग पढ़ ही लेते हैं somehow। फिर भी लड़के कम पढ़ते हैं ना, वो एक रात पहले वाला स्टडी वो तो मैटर करता है कि कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों से भी ज्यादा पढ़ते हैं, और कुछ लड़कियाँ होती है वो लोग शुरू से पढ़ते हैं, तो ऐसे जनरलाइज तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन काफी अच्छा जा रहा है, तो अभी हम इस कन्वर्सेशन पे एक लगाते हैं कोमा और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो देवदीपा तुम मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ही सबके मन में रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? तो ये बताओ कि जब लड़के फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हम लोग का क्या सीन रहता है ना, कि लड़के सोचते हैं एक उनकी गर्लफ्रेंड और छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी एकदम तुम्हारे लिए, ठीक ना? तो ये रहता है, तो लड़कियाँ जब फर्स्ट ईयर में आती है तो वो उनके मन में क्या ऐसा कुछ सवाल रहता है? अब ऑब्वियसली लोग जो फर्स्ट टाइम स्कूल छोड़ के कॉलेज आते हैं तो ऑब्वियसली सबके दिमाग में डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रहता है, बेट की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्सपेक्टेशन तो सबका रहता है, सबके मन में कुछ ना कुछ होता है, हाँ तो गर्ल्स आर नो एक्सेप्शन, सो हाँ ऑब्वियसली रहता तो है, बट वो बताती नहीं जताती नहीं है, हाँ और कितना फुलफिल होता है वो भी तो नहीं पता है ना हम लोग को, तो सेम ही चीज़ है, जैसे कि लड़कों का भी उतना फुलफिल नहीं होता है क्योंकि वो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, लड़कियां भी कुछ सोच के आती है बट लड़के रहते हैं तब भी उतना एक्सपेक्टेशन पूरा हो पाता है। तो चलो अब अगला हम रैपिड फायर कुछ करते हैं, जैसे कि तुम लड़कियां किस मेस की खाना सबसे अच्छा रहता है, H8 या H9? लड़कों में तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन बेहतर है, हमारे सीनियर्स या हमारे बैचमेट्स? ऑब्वियसली बैचमेट्स,
खाने के लिए सबसे अच्छा बीआईटी में जगह क्योंकि उसका मोमो अच्छा मिलता है। और कपल्स के लिए वो तो जहाँ वो लोग ढूंढ ले जगह अपने लिए वही अच्छा, अच्छा। है। पीटी गेम्स CANCC या NSS? मैं खुद पीटीएम गेम्स में थी, फिर एक महीने बाद NCC चली गई थी तो NCC। अच्छा ठीक है, तो कोई तुम्हारा एक ऐसा सबसे अच्छा किस्सा जो तुम हमारे व्यूवर्स के साथ या फिर जो आने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? BIT में अभी 4 साल हुआ है मेरा, तो जब मैं पहली बार आई थी मेरे को पता भी नहीं था BIT क्या है, BIT मिश्रा कहाँ है, मेडिकल एस्पिरेंट। तो यहाँ आने के बाद मुझे नहीं लगा था कि मैं इंजीनियरिंग कर पाऊंगी, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे बेसिक चीज़ें नहीं आती थी। बट 4 साल मेरे दोस्तों ने, जितने भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे, वो लोग मुझे इतना हेल्प किया है कि मैंने कंप्लीट कर लिया। फाइनली मुझे फाइनली एक प्लेसमेंट मिल गया अच्छा खासा BIT से। बस कोई खास इंसिडेंट नहीं है, बट देयर आर मेनी लिटिल थिंग्स जिससे मेरा जर्नी बहुत स्मूथ रहा है। तो लास्ट तुम क्या मैसेज देना चाहोगी आने वाले बैचेस एज अ सीनियर? एज अ सीनियर तो मैं बोलूँगी कि BIT में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मस्ती करने के लिए, टू हैव फन, टू मेक फ्रेंड्स, टू मेक मेमोरीज, टू हैव एक्सपीरियंस, बिकॉज इतना एक्सपोजर मिलता है कॉलेज में टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। लाइक तुम अगर इवेंट्स होस्ट करना चाहते हो, तुम किसी से पार्ट लेना चाहते हो, तुम इफ यू वॉन्ट टू ग्रो अप यू हैव यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग। सो आके BIT में बस डोंट कंसंट्रेट कि मेरे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, यू गेट टू एक्सपीरियंस द कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ एंड एवरी अदर थिंग, तो इन्जॉय करना है बस। क्योंकि 4 साल में तो हम लोग को जैसे हार्डली 2.5 साल ही मिला, तो बट उसमें भी वी हैव मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो ठीक है, तुम लोग भी जब आओगे तो ट्राई करना, एंड ऑब्वियसली यू डोंट गेट टू मीट योर सीनियर्स एंड ऑल, बट ठीक है जब भी आओगे बहुत मस्ती करना, बहुत मेमोरीज बनाना, एंड जैसा कि यूट्यूबर बनने जा रहे हैं।